सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव नजारा आप देख रहे हैं नंदेश्वर महादेव मंदिर से, जहां पर भी देखिए लंबी कतार लगी हुई है। और आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में पूरे नगर क्या और गांव गांव जानी जानी में महादेव जी के मंदिर पर इसी प्रकार का प्रसंग हमको देखने को मिल रहा है। भगवान भोलेनाथ के चरणों में देखिए बैंड बाजे नंदेश्वर महादेव में महाशिवरात्रि का भव्य आयोजन हो रहा है, उसमें सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको आप देख ही रहे हो कि अच्छी सी अच्छे मात्रा में पब्लिक आई हुई है और दर्शनार्थी महादेव जी के दर्शन कर भक्ति का लाभ ले रहे हैं। और सभी से महादेव से सभी की स्वास्थ्य की कामना करते हैं। इस समिति हमारी मंदिर में श्रृंगार नित्य श्रृंगार समिति है, उसके तत्वावधान में पूरा प्रोग्राम हो रहा है और आशा करते हैं हम लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। धन्यवाद। तो देखिए प्रभु के दर्शन आप सभी को कराते हैं और आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ का यह नंदेश्वर महादेव मंदिर प्राचीतम मंदिर और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी यहाँ पर आए हैं। सभी भक्त बड़े ही प्रेम के साथ प्रभु के दर्शन करते हुए
आज महाशिवरात्रि का पर्व है और पूरे हिंदुस्तान भर में मंदिरों में इसी प्रकार से सहल पहल देखने को मिल रही है। भक्तों का इसी प्रकार से ताता है, अतिथि लगातार पधार रहे हैं, प्रभु का आशीर्वाद जो है वो लिया जा रहा है। ये आगे हमारे तो प्रभु की बड़े ही प्रेम के साथ पूरे हिंदुस्तान भर में आप देखेंगे इसी प्रकार से प्रभु की सेवा, सभी भक्त नतमस्तक होकर भोलेनाथ के चरणों में प्रभु को सेवा अर्पण करने हैं। देखो मैं इस मंदिर की पहले हिस्ट्री बता देता हूँ। ये करीबन मंदिर तो इतना पुराना हमको पता नहीं है, हमारी पीढ़ी यहाँ 650 साल से है, हम यहाँ के मुख्य पुजारी है। अभी हम लोग एक ट्रस्ट बना दिया, रजिस्टर्ड 1995 के अंदर बना दिया, जिसके अनुसार वंशांत कुल पुजारी है और बाकी की सारी समिति है जो सारी व्यवस्था कर दी। व्यवस्था सारी सुचारू रूप से चल रही है और मेन यहाँ का जो कुंड है वो गंगा जी का चौथा पाया है और इस पानी की विशेषता है कि इसको अगर बोतल में बंद कर दो जैसे गंगा जल कई सालों तक खराब नहीं होता, इससे खराब नहीं होता, और पिछले 4-5 साल लोगों से अच्छी व्यवस्था हो रही है, बढ़िया अच्छा दर्शन हो रहा है और इस मंदिर का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। भगवान सबका भला करे, सभी का वर दे। जय हिंद, जय भारत। मैं जमुना शंकर पुजारी, नांदेश्वर मंदिर का पुजारी हूँ और पुजारी परिवार से। ये जो मंदिर है, यह नारद ऋषि ने तपस्या की हुई है, इसके लिए इनका नाम नारदेश्वर महादेव, नारदेश्वर महादेव इनका नाम है। नारद ऋषि ने यह तपस्या की हुई है और यह जो कुंड है बाहर 24 आवर्स इसमें पानी भरे रहता है, भले बारिश से इसका कोई लिंक नहीं है, बारिश हो या ना हो इसका जो सम लेवल है पानी आपको आता हुआ भी नहीं दिखेगा और जाता हुआ भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और अंदर जो है भगवान स्वयं को जमीन से प्रकट हुए और उनके चारों तरफ जलधारी है, चारों तरफ पानी है और पानी के अंदर विराजमान है। वो पानी 24 घंटों भरा रहता है, जब कभी उसका वाटर लेवल डाउन हो जाता है, नीचे चला जाता है, तो समझो बारिश आने की संभावना है और बारिश आती है। इस प्रकार ये बहुत ही तपोभूमि है और युद्धपुर के पास में बहुत रमणीय स्थान है, पहाड़ के गोद में बसा हुआ। मैं सभी से इस चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहूँगा कि पधारे, टाइम निकाल के और इस अद्भुत महादेव के दर्शन करें, त्रिलोकीनाथ के दर्शन करें और जीवन का आनंद उठाएं। धन्यवाद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान भोलेनाथ की बड़े ही प्रेम और भक्ति के साथ आराधना जो है वो हो रही है, आप देख पा रहे हैं, दृश्य आपके सामने है। और इसके इतिहास के बारे में आपने जाना है कि भगवान भोलेनाथ का यह प्राचीन मंदिर जहां नारद मुनि ने तपस्या की थी, इसीलिए इसको मंदिर का नाम नांदेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है और प्राचीन हजारों साल पुराना है, आज का नहीं है। तो आप देखिए कि इस जो भक्त है भजन कीर्तन यहाँ कर रहे हैं बड़ा ही आनंद के साथ। कई भक्त ऐसे भी है जो मिलने वाले हैं। तो प्रभु की आराधना बड़े ही प्रेम के साथ इस कुंड को देखिए आप। तो शाम को ये दीप जलने के लिए तैयार है, हजारों दीप जलाते हैं हर वर्ष शिवरात्रि के उपलक्ष में और पूरा लाइव प्रसारण। तो देखिए कैसे पानी को ऊपर मशीन की तरफ पंप करके नीचे बसाया गया है ताकि आने वाले दर्शक इसका लुत्फ उठा सके। तो सभी प्रेम से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। नांदेश्वर मंदिर जो कि प्राचीनतम मंदिर में वैसे एक है, हजारों वर्ष पुराना यह प्राचीनतम मंदिर और शाम को 7-7:30 बजे ये सारी जो जितने भी आप देख रहे हैं दीपक जो है वो जलाए जाएंगे। Shiva, 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 Shiva
नंदेश्वर मंदिर हर वर्ष आने का अवसर मिलता है और हर साल आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं के विचार भी बताते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ दर्शनार्थी आते हैं और पूरे रात से ही हाँ हरिओम वादे के पूरी रात से ही रात्रि से ही यहाँ पर दाता लगता है। देख रहे हैं आप यहाँ भक्तों को प्रसाद जो है खीर दी जा रही है, बड़े ही आनंद के साथ सभी आनंद ले रहे हैं।